हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष अर्पणा अरोरा पाली की प्रदूषण समस्या का जायजा लेने सोमवार को अचानक मेंबर सेक्रेटरी अरुण प्रसाद के साथ पाली पहुंची। पाली पहुंचने पर उन्होंने सीटीपी ट्रस्ट की ओर से संचालित 4 नंबर प्लांट का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद अर्पणा अरोरा जिला कलेक्टर सुधीर कुमार शर्मा प्रदूषण नियंत्रण मंडल पाली के अधिकारियों के साथ बांडी नदी का जायजा लेने गिरादता होते हुए नेहरा बांध पहुंची, जहां हालातों का जायजा लेने के बाद यहां बड़ी संख्या में पहुंचे किसान पर्यावरण समिति के सदस्य किसानों और महिलाओं से रूबरू होते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार प्रदूषण के समाधान को लेकर गंभीरता से काम कर रही है। दूसरी ओर किसानों का कहना था कि अगर प्रदूषित पानी को नेहरा बांध में आने से नहीं रोका तो किसान अब सख्त कदम उठाते हुए पानी को रोकेंगे। उन्होंने कहा कि बारिश के दिनों में भी जिस तरह से प्रदूषित पानी बिना उपचारित किए नदी में छोड़ा जा रहा है, उससे किसानों की जमीन बंजर हो चुकी है, वहीं नदी भी अपना रूप बदल रही है। एनजीडी कोर्ट नई दिल्ली के सख्त रवैये के बाद लगातार अधिकारियों का पाली आने का सिलसिला जारी होने से एक बार फिर पाली में औद्योगिक संकट मंडराता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकार चुनावी वर्ष होने के कारण किसानों को कतई नाराज करने के मूड में नहीं दिखाई दे रही। वहीं 28 जुलाई को एनजीटी कोर्ट नई दिल्ली में होने वाली सुनवाई को लेकर भी पहली बार प्रदूषण नियंत्रण मंडल के साथ साथ सरकार भी पाली की प्रदूषण समस्या को लेकर गंभीर नजर आ रही है और सरकार खुद चाहती है कि किसानों के हित को ध्यान में रखने के साथ साथ पाली के प्रदूषण समस्या का भी स्थायी समाधान कैसे निकले इस और प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि पाली की सीईटीपी ट्रस्ट ZLD योजना पर जाने का काम जल्दी शुरू किया जा सके। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।